जमारत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान, दिखाता हूँ अपराध जगत के खेल, मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम में बरसात ने फिर दिखाया आईना, पुलिस ने किया सामना। बरसात से पानी पानी हुई साइबर सिटी, हर बार की तरह इस बार भी पुलिस ने संभाला है मोर्चा। तो साहिबान, क्राइम मदारी में आज आपको अपराध की नई कहानी से हटकर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध गुरुग्राम पुलिस की एक नई तस्वीर दिखाता हूं, जिसमें पुलिस का मानवीय चेहरा आपको साफ दिखाई देगा। लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात ने एक बार फिर शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल दी और कमोबेश पूरी साइबर सिटी जलमग्न है। लेकिन इस बीच न केवल ट्रैफिक पुलिस बल्कि पूरी गुरुग्राम पुलिस आम जन को परेशानी से बचाने के लिए सड़क पर उतर आई है। बरसात के बाद साइबर सिटी के हालात क्या हैं, ये आप इन तस्वीरों में आसानी से देख सकते हैं। आखिर किसी को पानी से निकाल रहे हैं, किसी के वाहन को धक्का लगा रहे हैं, ये अपने पुलिस वाले हैं। हाँ जी, कह सकते हैं कि अपनी पुलिस जी तो है ही ग्रेट। पिछले साल की तरह इस बार भी गुड़गांव पुलिस के अधिकारी जवान सब मिलकर न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में जुटे हैं, बल्कि बरसात के पानी में फंसे राहगीरों को आफत से बचाने का भी काम कर रहे हैं। एक और पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से अलर्ट जारी कर रही है, साथ ही खुद बारिश में भीगते हुए न केवल सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रही है, बल्कि सड़कों पर भरे पानी को निकालने का भी काम कर रही है। शहर में विभिन्न मूलभूत सुविधाओं के साथ आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी नगर निगम और जिला प्रशासन की होती है। बरसात से पहले काफी दौरे के दौर चले, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बरसात के पानी की निकासी को लेकर चर्चा और गालबजाई करते रहे, लेकिन जब बारिश का पानी भरा तो सारे दावों की हवा निकल गई। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन जहां धरे के धरे रह गए, वहां करोड़ों रुपए खर्च करके भी सब बेकार ही साबित हुआ। लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली अपनी पुलिस जी अब बरसात के पानी में खड़े होकर आम जन की सहयोगी बनी हुई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में भरे पानी के बीच अपनी पुलिस जी ने ही मोर्चा संभाला हुआ है। आम जन की सेवा के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस को भी कोई परेशानी ना हो, इस बारे में भी पुलिस के आला अधिकारी पूरा ख्याल रख रहे हैं। उनको वहीं मौके पर खाना, बूट, रेनकोट, छतरी सब उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि पुलिस वाले पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लोगों का सहयोग कर इस आपदा के दौर में उनका सहयोगी बन सके। इस बारे में जब पुलिस कमिश्नर के राव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ताकि आम जन को कोई परेशानी ना होने पाए। तो साहेबान, लगातार हो रही बरसात और सड़कों पर जमा हुआ पानी सभी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन इस बीच अपनी पुलिस जी मोर्चे पर डटकर न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने में जुटी है, बल्कि आम जन का सहयोग भी कर रही है। बरसात में भीगने की फिक्र नहीं, बीमार होने की परवाह नहीं, और हमारी गुरुग्राम पुलिस डटी है आम लोगों के सहयोग के लिए। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।